अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग हकनवास खान व्लॉग में आपको एक बार फिर खुश आमदीद और बहुत सारा प्यार। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, और मैं बिल्कुल फ्रेश घोड़ा हो चुका हूँ। जिस तरह घोड़ा होता है ना व्यूवर्स, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह अब ठीक हो चुका हूँ। बस थोड़ा सा पेन है कमर में, बाकी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। और व्यूवर्स, आज जुमा था, आई थिंक तीसरा जुमा था रमज़ान का, तो आप सबको जुमातुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो जुमा, और सोलहवां रोज़ा भी, क्योंकि आज सोलहवां रोज़ा है। और बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ था, मैं नमाज़ पढ़ के आया हूँ और खेतों में ही खड़ा हुआ था, तो बड़ा ही प्यारा और फंटेस्टिक माहौल है व्यूवर्स। और आज बिल्कुल धूप है, धूप सख्त है, लेकिन हवा जो है फ्रेश फ्रेश, ताज़ा ताज़ा हवा है, बहुत प्यारी। और मैं खड़ा हुआ हूँ खेतों में ही। तो व्यूवर्स, वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करना मत भूलें। आप शेयर करेंगे तो भाई के दिल के करीब हो जाएंगे और भाई को मज़ा आएगा, चास आएगी और भाई खुश से सो जाएगा रात को। फिर सुबह उठेगा, देखेगा मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे अच्छा लगता है। आप भाई के दिल के करीब होंगे, क्या आप नहीं चाहते भाई के दिल के करीब होना? तो प्लीज़ लेट्स गो, आ जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिल में आके रहें, और मुझे अपने दिल में रहने दें। आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं आपसे इस सिलसिले को प्यार मोहब्बत वाले सिलसिले इसी तरह जारी रहने दें। तो लेट्स गो, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो व्यूवर्स, मैंने जैसा कि आपको बताया है, समा है बसंत का, पतंगे ही पतंगे हैं, और मोहल्ले के बच्चे, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, वो पतंगे उड़ा रहे हैं। तो अब दो बच्चे हैं जो मुझसे काफ़ी दूर चले गए हैं पतंग लूटने के लिए, कट के आइए। तो मैंने कहा मुझे भी साथ ले जाओ, कहते नहीं आप जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, खुश रहो, बड़ों का, बड़ों की इज्जत करते हैं और क्या करें अब व्यूवर्स। तो चले, मैं आए थोड़ा सा आपको माहौल चेक कराता हूँ। बहुत ही प्यारा माहौल बना हुआ है और बच्चे पतंगे लूट रहे हैं, भाग रहे हैं इस धूप में भी, क्योंकि इनको ना धूप और ना सर्दी और ना गर्मी से इनको कोई इनका लेना देना है, बच्चे जो हुए बच्चों को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये देखें व्यूवर्स, बहुत ही प्यारा माहौल बना हुआ है, धूप है, तो आए मैं ज़रा सा आपको माहौल शो करवाता हूँ। मेरी तरफ से सब यूट्यूबर को अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूबर्स को नहीं, व्यूवर्स को, व्यूवर को अस्सलाम वालेकुम। ये ले, वालेकुम सलाम। व्यूवर्स आ गया, ये देखें, ये उड़ा रहा है पतंगे, ये देखें जी, आए हाय। कौन सी वाली है आपकी? मेरी ये जिसकी पुछल फटी हुई है। अच्छा, ये वाली जिसकी पुछल फटी हुई है, जिसकी पुछल फटी हुई है व्यूवर्स, ये पतंगे उड़ा रहे हैं और बड़ा ही ज़बरदस्त, ये देखें, आए हाय हाय हाय, आए माथ पेचा लड़ा रहे हो। ये ले जी, पेचा लड़ रहा है। ओ, ओ, ये ले जी, इसकी कट गई है पतंग, अब भाग बेटा इसके पीछे, भाग भाग। ये लो जी, वो भाग रहा है व्यूवर्स, और शायद के पकड़ भी ले, क्योंकि नफरी इसकी अपनी ही है नीचे सारी। और ये देखें, बड़ा ही प्यारा माहौल है, ज़बरदस्त, हर तरफ पतंग ही पतंग का समा है, बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल है। तो आए, इमरान आ गया है, इससे बात करते हैं, और जिससे पहले भी आपसे गपशप करवाई थी वो फिर आ गया है। तो ये कब्रें हैं उसकी, ख़ानदान की, बुज़ुर्गों की, तो यहाँ पर दुआ करने के लिए आता है वो। व्यूवर्स ये देख लें आप, तो जुम्मा है तो अब आ चुका है, उससे भी गपशप करते हैं। ये ले व्यूवर्स आ गए, अस्सलामुअलैकुम, ठीक हो? अरे ये देखो, रोड तो बन गया, तुम कह रहे हो मैं रोड नहीं बनने दूँगा, फलाना नहीं करने दूँगा, ये देखो इसका तो बिल्कुल अब रह गई है ब्लैक टॉप रह गई है, ये देखो रोड बन गया है, अब क्या कहोगे है? अब क्या करोगे? बस कहते हैं बस, अब कुछ जा रहे हो? ओके ओके, कहते हैं ओके, चले जी आज टाइम नहीं दे रहा मैं, कहते हैं अब यहीं पे रहेगा, रहने दे। ये आया था दुआ, आई थिंक कर ली है इसने वहाँ पर, और धूप सख्त है व्यूवर्स। तो आए अब चलते हैं घर, फिर घर पर जाके आपसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तो मौसम बड़ा प्यारा बना हुआ है, हवा है, तो आए चलते हैं। ये देखें रोड भी आई थिंक ब्लैक टॉप रह गई है, बाकी ये रेडी हो चुका है, और ये देखें ये पतंगे उड़ा रहे हैं लड़के, गर्मी इनको नहीं लग रही, तो आए चलते हैं व्यूवर्स। तो व्यूवर्स मैं जा रहा हूँ अपने घर की तरफ, और देख लें गली बिल्कुल सुनसान है, बिल्कुल कोई भी नहीं है गली में, वैसे गली में बच्चे होते हैं, आज नहीं है, और जुमे का दिन है, लोग आराम कर रहे हैं इसी तरह।
बिल्कुल ये देखें ये गली भी खाली है, हालांकि ये गली की खाली होती ही नहीं है बिल्कुल। और ये देखें हमारा मोहल्ला बिल्कुल गली जो है वो बिल्कुल खाली हो चुकी है। और शाम को असर के टाइम बड़ी रश होगी, बच्चे निकलेंगे बाहर तो आए। और ये बिल्ली यहाँ पर क्या कर रही है आपको मैं दिखाता हूँ, देखें ये यहाँ पर क्या कर रही है पता नहीं। मियाऊ क्या कर रही हो मानो बिल्ली? हाँ ये देखें ये बिल्कुल हमारे मोहल्ले में हमसे गुल मिल गई है इस वजह से, वरना भाग जाती, अभी भाग जाएगी। देखो मानो क्या हुआ है, क्या हुआ मानो? हम ये देखें विवर खेल ये हमारे साथ। हाँ क्या हुआ है माओ? माओ क्या हुआ है, भूखी हो? हाँ भूख लगी है माओ को, माओ देख रही है ये कैमरा है क्या चीज़, इसको भूख लग गई है, कुछ डालते हैं तो इसको तंग नहीं करते। तो आए चलते हैं अब घर, फिर इंशाल्लाह असर के बाद आपसे बात होगी। तो करते हैं थोड़ा सा वेट घर चल के। ले व्यूअर्स मैं फिर से हुआ हाजिर आपकी खिदमत में पेश, और टाइम हो चुके हैं 5:30 के, असर की नमाज हो चुकी है। और अब चलते हैं किचन में और देखते हैं क्या हो रहा है और क्या नहीं, तो लेट्स गो। तो ले व्यूअर्स किचन में आ चुके हैं और फल कट के रेडी हो चुका है, ये देख लें प्यारी सी प्लेट सज गई है। और आज चाट व्यूअर्स काफ़ी दिनों से कोई नहीं खा रहा, तो ये चाट बस इतना सही है, आज एक कटोरे में ही बनाया है चाट इन्होंने, तो यही आज काफ़ी है हम सब के लिए। और ये देखें ये तो पकोड़े तले जा रहे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये देखें ये है शरबत जो रेडी हो चुकी है, गुड़ वाली शरबत, आहा बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, इसको फिर से डाल देते हैं। तो व्यूअर्स ये देखें ये चीज़ें तैयार हैं जो बेसिक चीज़ें हैं। तो पकोड़े तले जा रहे हैं इंशाल्लाह, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो थोड़ा सा करते हैं वेट पकोड़े बन जाए। व्यूअर्स पकोड़े डाल दिए हैं कढ़ाई में, वो तले तल रहे हैं और ये देख लें आप बिल्कुल ज़बरदस्त कलर में आ रहे हैं अपने। और ये कुछ बेसन थोड़ा सा रेता भी है, तो ये पकौड़े तले जा रहे हैं व्यूअर्स ये देख लें आप। तो बाकी चीज़ें रेडी हैं, तो आए करते हैं थोड़ा सा मज़ीद वेट। तो ले व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें आ चुकी हैं जो जो दस्तरखान पर होनी चाहिए, पकौड़े और साथ में रही ये देखें आप शरबत, और ये रहा फ्रूट, इसी तरह ये कलेजी बुनी हुई कलेजी है व्यूअर्स ये वाली, और ये है चाट जो आ चुका है। और व्यूअर्स जो बेसिक चीज़ें हैं वो आ चुकी हैं, अल्लाह पाक हमारे और आपके दस्तरखान पर हज़ारों करोड़ों रहमत नाजल फरमाए। और बड़ा ही मुकद्दस महीना है, प्यारा महीना है, तो टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। तो आए आप दुआ करते हैं, फिर इंशाल्लाह दुआ के बाद इफ्तार के बाद आपसे गुफ्तगू होगी, तो आए दुआ करते हैं। तो ये लें व्यूअर्स दस्तरखान रेडी है, अब दुआ करेंगे इंशाल्लाह और फिर रोज़ा इफ्तार होगा, क्योंकि 2 मिनट रह गए हैं, बिल्कुल टाइम बिल्कुल शॉर्ट है व्यूअर्स। और ये दस्तरखान है ये देख सकते हैं आप, छोटा सा दस्तरखान है जो मैं आपके साथ अपना दस्तरखान शेयर करता रहता हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि व्यूअर्स अपने इलाके में अपने इर्द गिर्द सफ़ेद पोश लोगों का आपने बहुत ख्याल रखना है और उनको जहन में रखना है, उनको भूलना नहीं है। अगर आप पैसों की मदद नहीं कर सकते तो आपने थोड़ा थोड़ा सा फ्रूट या इस तरह की जो चीज़ें आप बनाते हैं घर में इस्तेमाल करते हैं रोज़ अफ्तार में, वो आपने थोड़ी थोड़ी सी दे देनी है। और ज़ाहिर नहीं करना कि आपने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अल्लाह पाक ने हमें इनके लिए वसीला बनाया हुआ होता है और हम इनके लिए ये चीज़ें लेके जाते हैं, तो वो भी इन नेमत का शुक्र अदा करते हैं और हम भी खुश होते हैं, अल्लाह भी हमसे खुश होता है। और आप भी यही चाहेंगे कि अल्लाह हमसे और आपसे खुश हो, तो इसी चीज़ के साथ कि मैं यही कहना चाहूँगा कि अल्लाह को खुश करें, किसी को खुश ना करें, अल्लाह अपने अल्लाह को खुश करें। तो अब दुआ करनी आए, दुआ की तरफ चलते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे अफ्तार के बाद मुलाकात होगी, गुफ्तगू होगी। तो आए दुआ करते हैं, इंशाल्लाह अफ्तार के बाद गुफ्तगू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, जैसा कि आपने देखा आज 16वां रोज़ा भी इफ्तार हो चुका है और मैंने आपके साथ शेयर किया डेली इफ्तार रूटीन जो कि मैं शेयर करता रहता हूँ आपके साथ। और अजानें हो चुकी हैं तो नमाज की तरफ भी जाना है।
मुझे दो में याद रखिएगा। मैं यही कहना चाहूँगा व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करना मत भूलें, ताकि इस तरह मेरा चैनल ग्रो करे और आपकी प्यार मोहब्बत इसी तरह बरकरार रखें आप मेरे साथ, ताकि मैं इसी तरह आपसे मोहब्बत करता रहूँ आप मेरे साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह बहुत जल्द कल आपसे मुलाकात होगी। हिस्सों मान में रहें क्योंकि अजानें हो चुकी हैं, अब जाना है नमाज की तरफ। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।